यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए किसानों ने एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि आंदोलन का ऐलान उसी दिन किया गया जिस दिन संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान महापंचायत की बैठक में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत हुई। इसमें हजारों किसानों की भीड़ दिखाई दी। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, वरिष्ठ किसान नेता हन्नान मौला सहित कई किसान नेता मौजूद थे। राकेश टिकैत समेत किसान नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। किसान 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच भी करेगा। बता दें कि सोमवार सुबह हजारों किसान सिटी पार्क में एकत्र हुए। इसके बाद वे पैदल मार्च करते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे, जहां महापंचायत शुरू हुई। पुलिस ने महापंचायत में 3000 किसानों को शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि राकेश टिकैत ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। किसान महापंचायत के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू होगा, यानी ये महापंचायत अभी जारी रहेगी। किसान नेताओं का कहना है कि 27 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर महापड़ाव रहेगा। इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पर चलेगा। आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच के रूप में होगा। महापंचायत के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी महापंचायत की रिकॉर्डिंग भी करते दिखाई दिए। किसान नेताओं ने बताया कि महापंचायत में 5 मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% भूखंड और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा और 20% भूखंड दिए जाएं। भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। हाई पावर कमेटी द्वारा पारित मुद्दों पर शासनादेश जारी किए जाएं और आबादी क्षेत्र का समुचित निस्तारण किया जाए। टाइम लगेगा, आज नहीं दुगने गए, इतने थोड़े कहाँ है। देखो, प्राधिकरण चलता है सरकार से, अभी सरकारों की पॉलिसी रही है। ये इनका दमखम देखेंगे यहाँ के किसानों का, ये रात को कितने बैठेंगे यहाँ पे, रुकेंगे क्या, कितने कहाँ जाएंगे, इनको बैठना पड़ेगा यहाँ पे, और सब किसान संगठन को बैठना पड़ेगा इकट्ठा होकर। अलग अलग तो कमजोर हो जा, अलग अलग घरों में तो चोरी हो, जब जा इकट्ठे हो जाओ तो कौन चोरी कर ले, चोर को भी पिटे, पैरा भी दे, अपनी खेती बाड़ी भी करें, सारा काम कर ले। वो करते सब कमेटी तय करेगी, अभी कमेटी के लोग बढ़ सके और कमेटी ही इसको तय करेगी कि क्या करना है। यहाँ तो सारे जाएंगे, जिसको लड़ाई लड़नी किसान की वो इस मंच पर रहेगा, और जिसको भाई नहीं लड़ाई लड़नी वो अपना भाई हेरा फेरी करके बगल रहेगा। अरे यार, संसद यही तो है, ये कह रहे शांति से यहाँ बैठे रहे, यही संसद है। क्या मान सकते हैं कि किसान अलग, ये तो पूरे देश में बढ़ने करीब 2500 से ज्यादा संगठन बढ़ लिए, और बढ़ेंगे, अभी तो गांव के नाम से बढ़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।